मालदीव्स, अ ब्यूटिफुल पैराडाइज ऑन अर्थ जो फेमस है अपनी ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स। इंडिया से हमें फ्लाइट पड़ा था कुछ 40,000 रुपीज। वी हैड अ फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू माली विथ वन स्टॉप लेओवर इन मुंबई। हम मुंबई रात में ही पहुंच गए थे एंड हमारा माले का फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में था। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट मालदीव्स। मालदीव्स जाने का बेस्ट टाइम है नवम्बर टू मार्च, जहाँ आपको बेस्ट वेदर मिल जाएगा। क्योंकि ये पीक सीजन है, इसीलिए फ्लाइट एंड रिजॉर्ट के प्राइसेस भी काफी हाई होते हैं। नॉन पीक सीजन में आप थोड़े पैसे तो बचा सकते हो, पर आपको वेदर पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कभी कभी तो बहुत ज्यादा रेनी एंड विंडी हो जाता है कि आप अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अब बात करते हैं व्हाई शुड यू विजिट मालदीव्स। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखना है जो इंडिया से एकदम पास हो, अंडर वाटर स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, एक पिक्चर परफेक्ट कंट्री में जाना चाहते हो, बेस्ट सनसेट एंड सनराइज देखना चाहते हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ स्टार गेजिंग, एक रिलैक्स्ड लग्जरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, बीच विला एंड वाटर विला, फाइव स्टार सर्विसेज एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स का लुत्फ उठाना चाहते हो, अपने स्टे के पास ही ब्यूटीफुल क्रिएचर्स एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बनाना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी बकेट लिस्ट में है तो मालदीव्स इज अ परफेक्ट कंट्री फॉर यू टू विजिट। अब बात करते हैं कि आप ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। यूजुअली मैं और निसर्ग अपने ट्रिप्स खुद ही प्लान करते हैं, बट व्हेन कम्स टू मालदीव्स वी ऑब्जर्व कि हमें बहुत अच्छी और सस्ती डील्स टूर ऑपरेटर्स से मिल रही थी, क्योंकि उनके डायरेक्ट टाइअप्स होते हैं प्राइवेट आइलैंड्स के साथ। सो हमें फाइव स्टार रिजॉर्ट की डील काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गई थी, जिसका पूरा ब्रेकडाउन मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। और अगर आप अपना हनीमून या एनिवर्सरी प्लान कर रहे हो तो आपको और भी काफ़ी सारी एडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी मिल जाएगी। अगर आपको हमारे टूर ऑपरेटर से डील करनी है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपको उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँ। मालदीव्स में ना, अगर आप टूर ऑपरेटर की तरफ से जा रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से उनमें से कोई भी पैकेज चूज कर सकते हो। हमने जो पैकेज लिया था वो ऑल इंक्लूसिव था, जिसमें हमारी फ्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशन, स्पीड बोट, सी प्लेन ट्रांसफर, वाटर एक्टिविटीज, फूड एंड ड्रिंक्स, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। हम मालदीव्स दो बार जा चुके हैं। फर्स्ट वाज आवर हनीमून एंड सेकंड टाइम फॉर अ कोलैबोरेशन। फर्स्ट टाइम हम एक फाइव स्टार रिजॉर्ट में रुके थे जिसका नाम है वारू बाय एटमॉस्फेयर, एंड सेकंड टाइम वी विजिटेड टू ऑफ सनसियाम्स प्रॉपर्टीज, विच आर सनसियाम विलू रीफ एंड सनसियाम इरू वैली। मैंने सारे रिजॉर्ट्स की भी आपको अच्छे से डिटेल्स दे दूंगी, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो रिजॉर्ट चूज करने में। ट्रैवलिंग टू मालदीव्स इज वेरी इजी फ्रॉम इंडिया। बस 3 घंटे का फ्लाइट होता है टू माले और आपको वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू फिल वन फॉर्म, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एज सून एज वी लैंडेड ऑन माले एयरपोर्ट, Somebody was there to pick us up. Let me tell you that Male Airport is one of the most beautiful airports I have ever seen. Just look at the view. I already feel that I'm in heaven. वहाँ से हमें स्पीड बोट में आइलैंड ले जाया गया एंड वहाँ पहुँचे तो देखा कि लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। They served their famous welcome drink और आइलैंड का एक small tour भी दिया उनकी क्यूट सी बग्गी। Let's have a look.
सो आप जिस किसी भी आइलैंड में जा रहे हो ना, वहाँ पे अलग अलग रूम्स की कैटेगरीज होती है। वारू में हमने पहले 2 दिन बीच विला लिया था, जहाँ हमें अपना प्राइवेट बीच मिला था। नॉट ओनली दैट, आवर रूम वॉज सो लग्जूरियस, द वॉशरूम वॉज मैसिव एंड प्राइवेट पूल भी था। निसर्ग तो पूल से बाहर ही नहीं आ रहा था। लेट्स सी सम हाइलाइट्स। हमने अपना पहला सनसेट उसी आइलैंड के फेमस सनसेट स्पॉट पे देखा एंड इट वाज मेस्मराइजिंग। रात में तो मालदीव्स और भी ज़्यादा सुंदर लगता है यार। बिफोर वी गो टू डिनर, हमने रात में वहाँ के इन्फिनिटी पूल पे भी एंजॉय किया एंड कॉल इट अ डे। हमने अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स का ऑप्शन लिया था, जहाँ वी हैड 5 रेस्टोरेंट्स विथ मल्टीपल फूड ऑप्शंस टू चूज। इतनी सारी वैरायटी का खाना एंड ड्रिंक्स अवेलेबल था, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट किया एंड आइलैंड के मेन बीच पे गए। इट वॉज सनी एंड वाटर वॉज जस्ट ग्लोइंग। इतनी धूप में भी हमारा मन ही नहीं हो रहा था कि बीच से दूर जाए। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ऑन द बीच, वी डिसाइडेड टू गो इन टू द पूल, क्योंकि बहुत गर्मी होने लग गई। 1-2 घंटे हमने आराम से पूल में मजे किए व्हाइल सोकिंग द सन एंड एंजॉयिंग द व्यू। वहाँ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी की। माय फर्स्ट एक्टिविटी वाज स्नॉर्कलिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। शाम में हम गए अपनी सेकेंड एक्टिविटी के लिए, विच वाज सनसेट क्रूज। ऑन आवर थर्ड डे वी शिफ्टेड टू वाटर विला। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर गोइंग टू मालदीव्स, आपको 1 दिन तो वाटर विला में रुकना ही चाहिए। एंड सिंस वी वर अ हनीमून कपल, उन्होंने हमारा रूम बहुत अच्छी तरह से सजाया भी था। जस्ट लुक एट द व्यू। रात में हम गए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करने, विच वॉज स्टार गेजिंग। लास्ट डे हमारा स्पा सेशन था, जो एकदम आइडियलिस्टिक लोकेशन पे था। शाम में हमने अपना दिन आइलैंड के एक पिक्चरस्क लोकेशन पे स्पेंड किया, एक प्यारा सा डेट नाइट किया एंड देन हमारी बगी ने हमें हमारे डॉटर विला पे ड्रॉप कर दिया। जब हम सेकेंड टाइम मालदीव्स गए ना, दैट वाज अ कोलैबोरेशन विद सेंसियम प्रॉपर्टी। वहाँ हमें सी प्लेन लेने आया था एंड दैट वाज वन हेक ऑफ एन एक्सपीरियंस। एंजॉय द व्यू फ्रॉम सी प्लेन ड्राइव, वहाँ भी एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। नेक्स्ट डे हम गए डॉल्फिन वॉचिंग के। हमें सी के बीचों बीच लेकर गए और वहाँ हमने डॉल्फिन्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखा। इट वाज आवर लास्ट डे इन मालदीव्स एंड हमारा फ्लाइट था माले टू अहमदाबाद वाया मुंबई। ऐसा यूनिक एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार तो आपको करना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। Don't forget to follow us there. Milte hain next episode mein. Till then, happy traveling.